हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग वंस अगेन, वेलकम टू इंग्लिश विद प्रभात चैनल सर। हेलो, आज मैं आपको प्रोनाउन का सेकंड सीरीज में पढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियोस में मैंने प्रोनाउन का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसके चार केसेस, दो केस मैंने डील किया था लास्ट वीडियोस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो केसेस का और बता के ये फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन को आज फिनिश कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप जरूर देखिए। हेलो, यहाँ आइए, देखिए आपकी नजर बोर्ड पर होनी चाहिए। दूसरा थर्ड, यानी आज का पहला लेकिन ये सीरियल में थर्ड है, पॉजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव, इट कम्स जस्ट बिफोर नाउन। यानी क्या हुआ, पॉजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले आएगा, ये तय है। यानी नाउन होगा तो उसके पहले पीसीए आएगा, है इसलिए नाम हुआ पॉजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव। अब इधर देखिए, एक एक वर्ड मैं लूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे ताकि आप सबको, व्यूअर्स को सबको इजीली समझ में आएगा। देखिए पहला है माय, मेरा, या मेरा या मेरी, तो पुनिंग के अनुसार निर्धारित होता है। दिस इज माय हाउस, देखिए मैंने हाउस को अंडरलाइन किया, क्यों, ये नाउन है। और हिंदी देखिए, यह मेरा घर है, यानी दिस इज माय हाउस। अब आइए, अगर यहां दे दे सी इज माय सिस्टर तो हो जाएगा वह मेरी बहन है, तो चूंकि बहन स्त्रीलिंग है इसलिए यहां मेरी होगी। इज इट क्लियर, एकदम ध्यान से सेंगे कि मेरा मेरी के कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो स्त्रीलिंग और लिंग जो होता है वो शब्द के अनुसार होता है। नेक्स्ट, इसका प्लूरल आवर टेबल जो है लास्ट वीडियो में आप देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। आवर मीन्स हमारा या हम लोगों का, दो दो हिंदी में बोल रहा हूं, दोनों हिंदी आप ध्यान रखेंगे। क्या होगा, दैट इज आवर क्लासरूम, वह हम लोगों का वर्ग है या कमरा है। तो देखिए हम लोगों का तो क्लासरूम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए योर, इस चीज को ध्यान देंगे, योर मीन्स तुम्हारा सिंगुलर और योर मीन्स तुम लोगों का प्लूरल। लेकिन सवाल है कि हम कैसे जाने कि यह सिंगुलर प्लूरल, इट मीन्स यू हैव टू मेक अ सेंटेंस सच अ वे दैट सेंटेंस विल टेल इट। आप ऐसा सेंटेंस बनाए कि वाक्य आपको बता दे ये सिंगुलर है प्लूरल, अगर हिंदी ना भी रहे तो। हाउ, जस्ट देखिए, तुम्हारा या आपका, इट इज योर पेट, यह आपका पालतू, यह आपका पाला हुआ या आपका जानवर है। तो ये इज आया ना, इसका मतलब ये सिंगुलर है पेट। इसी को अगर देते दीज आर योर पेट्स, तब तय था कि योर है, यहां आर हो गया इसलिए प्लूरल के लिए। और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस गौर कीजिए, योर तुम लोगों का, दीज आर योर फ्रेंड्स, ये सब आपके या तुम लोगों के दोस्त हैं। अब देखिए आर हमको क्लियर कर रहा है ये प्लूरल है, और नेक्स्ट वर्ड आता हो तो और क्लियर कर दिया। अब आते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, हिज, उसका, उसकी। अब बड़ी दुविधा, देखिए बड़ी अच्छी बात है, आप किसी से पूछेंगे हिज मतलब तो उसका, और जब आप उसको क्रॉस करें उसकी तो बोला नो सर रॉन्ग है, क्यों, हिज तो उसका होता है, इसलिए पुलिंग कैसे होगी। ये बड़ा हास्यास्पद है, यानी यहां पर आपको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। क्या है, ये जो वर्ड है ये तो आने वाले नाउन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मैंने लिखा है जस्ट बिफोर नाउन, मैंने यहां भी कहा था मेरी बहन, तो क्या मेरा हो गया, बहन के अनुसार मेरी माँ है तो मेरी माँ, पापा है तो मेरे पापा, भाई है तो मेरा भाई, वेरी सिंपल, किताब है तो मेरी किताब। उसी प्रकार देखिए, सी इज हिज सिस्टर, अब उसका, उसकी, वह यानी वह लड़की उसकी बहन है। अब लड़के क्या सोचेंगे, उसका बहन है, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हिज मतलब यहां पर उसकी, तो सिस्टर के लिए उसकी हो गया। फिर आते हैं देखिए, हर, उसका या फिर उसकी, इसमें भी वही हाल है, He is her brother, मतलब वह लड़का उसकी, उसका भाई है। तो यहां भाई हो गया इसलिए उसका, लेकिन हर मतलब भी स्त्रीलिंग है, या तो लड़की का भाई है इसलिए उसका भाई हो गया, तो भाई के लिए उसका हुआ। बड़ी छोटी छोटी बात है जो मिस्टेक्स करते हैं। नेक्स्ट आइए, इट्स, यानी इसका, उसकी। यहां भी मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, अगर आप इसके बीच एपोस्ट्रॉफ देंगे, हेलो फ्रेंड्स जरा यहां ध्यान देंगे, अगर आप ये लिख दिए तो आपका ये रॉन्ग हो जाता है, क्यों, इसका मतलब हो जाता है इट इज, बी केयरफुल, इट इज यानी यह है इसका शॉर्ट फॉर्म। इसलिए नेवर पुट एनी एपोस्ट्रॉफ बिफोर एस, तब होगा उसका उसकी। अब यह निर्जीव या जानवर के लिए, देखिए हिंदी है उसका उसकी, दिस इज इट्स कैप, कैसे, देखिए यह कैप मैंने लिया और इसको मैं दिखा रहा हूं, तो मैंने कह रहा है ये दिस इज इट्स कैप, यानी यह जो कैप है, ढक्कन है, खोली है, इस कलम की है। मैंने इशारा भी किया पेन, देखिए ये क्लियर हो गया ना। आया देयर, उन लोगों का, दे का प्लूरल, ही इज देयर फादर, अब कोई
फादर यानी एक पुरुष है तो अनेक के फादर हो सकते हैं, एक के तो बहुत संतानें होती हैं। यहां पर यह जरूरी है कि यार दे आर देयर फादर, ये कैसे हो सकता है? यानी जब एक कोई फादर है तो उनके अलग अलग संतान है, लड़का लड़की दोनों होंगे। इसको मैंने क्या लिखा, ही इज देयर फादर, यानी वह जो पुरुष है मिस्टर चोपड़ा मिस्टर सिन्हा जो भी है उन लोगों के पिता है, यानी कई लोग हैं भाई बहन जो भी है बेटा बेटी। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको आप ध्यान से देखिए कि नाउन के जस्ट पहले ये पीसी हो गया, इसका जस्ट रिवर्स देखिए। अब यहां ध्यान दीजिए, हेलो फ्रेंड्स, पीपी पॉजेसिव प्रोनाउन इट कम्स बिफोर वर्ब और आफ्टर वर्ब। अब वर्ब की चर्चा हुई, नाउन की कोई चर्चा नहीं। मैंने स्पेशली फोकस किया आप लोगों के लिए, कैसे नाउन नेवर कम्स आफ्टर पीपी, ये एकदम सॉलिड पॉइंट हो गया। यानी तीनों पॉइंट्स आपने बिल्कुल सर्कल कर लिया, या तो यह वर्ब से पहले या बाद, लेकिन किसी भी सूरत में नाउन कभी नहीं आएगा और यहां किसी भी सूरत में नाउन ही आएगा। तो दोनों एक दूसरे का कंट्रास्ट है। माइंड मींस मेरा, माइंड मींस मेरा। आप देखिए हिंदी देखिए, अभी मैंने कहा यह मेरी किताब है, अब यह हिंदी मेरी चेंज हो रही है, यह किताब मेरी है, वर्ब के बाद माइंड, यानी किताब का रेफरेंस पहले हो, हाँ नाउन पहले है लेकिन इसके बाद नाउन कभी नहीं आएगा। और मेरा दोनों प्रूफ है, देखिए नाउन नहीं आ रहा है लेकिन वर्ब के बाद, देखिए वर्ब से पहले माइन इज दिस बुक, आपने कहा दिस इज माइन, अब मैंने कहा माइन इज दिस, नो डिफरेंस इन बिटवीन, देयर इज अ सिमिलर सेंटेंस एंड सिमिलर मीनिंग। सेकेंड, इसका प्लूरल आवर्स, देखिए यहां आवर है, आवर्स है, हिंदी मीनिंग एकदम सेम है, पीसीए पीपी हैव द सेम मीनिंग, ओनली डिफरेंस द इट्स यूजेस। हमारा दैट कॉलेज वॉज आवर्स, वह कॉलेज हम लोगों का था, आवर्स इज दिस क्लासरूम, यह रूम हम लोगों का है। तो आवर्स यानी वर्ब से पहले, तो आवर क्लासरूम इज दिस, दिस इज आवर क्लासरूम। तो मैं दोनों ट्विस्ट करके आपको कंपैरेटिव स्टडी बता रहा हूं कि यू हैव टू मेक द सेंटेंस इन बोथ द वेज, ओनली बी अलर्ट कि नाउन यहां के बाद आएगा लेकिन यहां नाउन कभी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट, योर्स तुम्हारा या तुम लोगों का, द बाइक इज योर्स, बाइक खड़ी है, तो मैंने कहा वो बाइक तो तुम्हारा है, आपका है। योर्स आर दोज बुक्स, किताबें रखी हुई है, मैंने कहा भाई ये किताबें तुम्हारी है, तुम लोगों की है। देखिए वर्ब से पहले वर्ब के बाद, वर्ब से पहले वर्ब के बाद, वर्ब से पहले वर्ब के बाद, लेकिन किसी भी सूरत मैंने नाउन नहीं दिया। ग्रामर हिज उसका उसकी आ गया, फिर ये दोनों में होता है पीपी और पीसी है, लेकिन यूजेज में अंतर है। दिस द बिग हाउस इज हिज, बड़ा घर उसका है, यानी किसका, पुरुष का, क्योंकि हिज पुल्लिंग होता है मैस्कुलिन जेंडर। हिज इज माई फ्रेंड, यानी उसका जो दोस्त है या उसका भाई है, कोई नाउन है, हिडन है, आपको समझना होगा। मैं ये भी कह सकता हूं उसका जो दोस्त है मेरा दोस्त है, लेकिन मैंने यहां पर नाउन नहीं दिया, यहां आपको अंडरस्टूड है। एंड द नेक्स्ट, हर्स उसका उसकी, दिस पपेट इज हर्स, यह गुड़िया यह कठपुतले यह पपेट उसकी है, यानी किसी स्त्री की। एंड हर्स वॉज नाइस पपेट, यह पपेट उसका जो है वो नाइस है, यहां भी देखिए सेम सेंस। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ पीपी इज देयर्स, उन लोगों का, सेम। द कोचिंग इज देयर्स, या कोचिंग उन लोगों का है। एंड देयर्स वॉज आवर कोचिंग, वह जो कोचिंग उन लोगों का था। तो आप इसको एकदम बिल्कुल माइनरली वॉच कीजिए, देखे होंगे आप इसको एकदम कॉम्परेटिवली नोट कर लीजिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम, सब कॉमन एरर का एक पार्ट है, तो जब बेसिक आपकी ठीक होगी तो सारे सेंटेंसेस आपके टेंस में और आपको हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके बाय, हैव गुड, टेक केयर, ओके बाय।